गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी एनआईए। सलविंदर सिंह के कुक को आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से लगातार दूसरे दिन भी जारी रही एनआईए की पूछताछ। सलविंदर सिंह के जवाबों से संतुष्ट नहीं एनआईए, दरगाह के संचालक से भी हो सकती है पूछताछ। गृहमंत्री बोले पाकिस्तान पर अविश्वास की नहीं अभी वजह। एनआईए सूत्रों का खुलासा, पठानकोट एयरबेस के अंदर से भी मिली थी आतंकियों को मदद। गुरदासपुर में पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए फतेह सिंह और कुलवंत सिंह के परिवार से मिले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। बोले शहादत से बड़ी नहीं हो सकती कोई भी चीज। शकील अहमद, अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा भी रहे मौजूद। पठानकोट आतंकी हमले में भगवंत मान की ओर से एक सियासी नेता पर लगाए गए आरोपों को सुखबीर बादल ने खारिज किया है। कहा तस्वीर खिंचवाने से कुछ नहीं होता है, कैप्टन ने किया सुखबीर का समर्थन। पंजाब में शहीदों पर सियासत लगातार जारी है। पठानकोट में शहीद हुए गुरदासपुर के जवानों के परिजनों से आज मिलने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। आतंकी हमले में गुरदासपुर के दो जवान शहीद हुए थे। खडूर साहिब उपचुनाव का ऐलान, 13 फरवरी को होगी वोटिंग, 16 को नतीजे, 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा नामांकन। रमनजीत सिंह सिक्की के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह समेत कई नेताओं के खिलाफ लुधियाना जिला अदालत में केस दर्ज करवाया है। क्रिमिनल डिफोमेशन के तहत की कार्रवाई की मांग, केजरीवाल को बताया यू टर्न मास्टर। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बठिंडा के तलवंडी साबो में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी है। कहा अगले 1 महीने और 1 साल में सभी गांव को विकास के लिए दिए जाएंगे 20 से 25 करोड़ रुपए। पंजाब पुलिस के सिपाही और हवलदार फिर लगा सकेंगे पगड़ी पर झालर। पंजाब पुलिस ने अपना आदेश वापस ले लिया है। 1 जनवरी को पगड़ी से झालर हटाने के आदेश जारी किए थे। मोहाली पुलिस ने नशे की तस्करी के आरोपों में एक बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। किसानों के मुआवजा घोटाले मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार विजिलेंस निदेशक कृषि और राजस्व विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 21 मार्च तक जवाब देने की बात कही है। हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक, प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक, बैठक में कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृष्णलाल पवार, कविता जैन, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और घनश्याम सराफ मौजूद रहे। हरियाणा रोडवेज बसों में जल्द ई टिकटिंग प्रणाली शुरू करने वाला है। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार का कहना है कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी। शुरू में ई टिकटिंग सिस्टम चुने हुए बस डिपो में शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने का सस्पेंस खत्म हो गया है। पीडीपी बीजेपी की ही सरकार वहां पर बनने वाली है। महबूबा मुफ्ती ही होंगी जम्मू कश्मीर की सीएम। 7 दिन का शोक खत्म होते ही लेंगी शपथ। पीडीपी ने कहा बीजेपी के साथ रिश्तों में नहीं कोई दरार। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई रेड के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा सीबीआई केंद्र सरकार की गुलाम है। केंद्र सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ झूठे मामले बनाने का काम कर रही है। चंबा में गौ हत्या मामले पर सीएम वीरभद्र ने लिया संज्ञान। कहा मामला दर्ज कर लिया गया है, अगर किसी ने बवाल करने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब घर बैठे होंगे विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दर्शन। मंदिर की वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही उठा सकेंगे लाइव आरती का मजा। मंदिर में ठहरने के लिए भी करवा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। आंध्र में 1,000 करोड़ का निवेश करेगा एसएल ग्रुप। इन्वेस्टमेंट समिट में बोले एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, भारत अकेले टूरिज्म से ही पूरा कर सकता है अपना घाटा। थाईलैंड जैसे छोटे देशों से सीखना जरूरी।
फतेहबाद के कुम्हारिया गांव में लोगों ने पेश की मिसाल। नेताओं और प्रशासन की अनदेखी की बात खुद ही बनाया गांव में बस स्टैंड। गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और कैंसर को मात देने वाली लड़कियों से करवाया गया उद्घाटन। पंजाब का मशहूर त्योहार लोहड़ी आज मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। त्योहार खुले आसमान के नीचे अलाव जलाकर नाच गाकर खुशियां मनाते हैं लोग। पंजाब के मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे नर्सों ने लोहड़ी को काली लोहड़ी के रूप में मनाने का फैसला किया है। पिछले एक हफ्ते से नर्स धरने पर बैठी हुई हैं। अमृतसर रेड क्रॉस में अनाथ बच्चों ने भी लोहड़ी का मजा उठाया है। नए नए कपड़ों में सजी लड़कियों ने लोहड़ी के मौके पर पारंपरिक डांस किया और लोहड़ी जलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने भी लोहड़ी मनाई जिसमें पंजाब और हरियाणा के जज शामिल हुए। इस मौके पर जजों के साथ तमाम वकील भी पंजाबी गानों पर थिरकते नजर आए। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी।